शीतल चंदा से सागर से गहरे ज्ञानी प्रभु को हमने ना देखा बस इनकी कही है मानी ये बोकड़िया परिवार धन्य हुआ गुरुवर से नाता जुड़ा ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है इनसे ही जन्नत है गुरु में संसार समाया उनका है आशीष पाया प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है इनसे ही जन्नत है। जानते हैं कि आज हमारे गुरुजी श्री सीआरसी महोदय श्री भट्ट जी की विदाई समारोह है। इस विदाई समारोह पर हमें दुख हो रहा है, दुख इस बात का है कि जिन्होंने हमें शिक्षा दी है, हंसाया है, खिलाया है, पढ़ाया है, आज वही यहाँ से जा रहे हैं। गुरुजी हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। गुरुजी के पास हमारी 3 घंटियाँ थी, वह अपने उस 3 घंटियाँ को बड़े ही प्यार से समझाते थे। गुरुजी हमें योगा भी कराते थे। हमारे गुरुजी सभी के लिए एक प्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने अपना इस स्कूल में कार्यकाल पूरा कर लिया। आज हमारे गुरुजी यहाँ से जा रहे हैं और इस बात का मुझे बड़ा दुख है, खासकर उनका वह मुस्कुराता चेहरा, उनसे हमेशा मिलना पड़ना। आज हमारे गुरुजी का यहाँ सेवा में अंतिम दिन है और इनका वह अंतिम दिन पर मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ। खिलता हुआ गुलाब थे आप हमारे अंधेरे जीवन में, ज्ञान के दीपक थे आप, हम सब बच्चे थे नादान, पढ़ने में नहीं था ध्यान, हमारी भूलों को माफ करके दे दिया विद्या का दान, अपनी अनमोल शिक्षा को हमें सिखाया, संस्कारों का पाठ हमें पढ़ाया, हमारे लिए आसमानों में आत्मविश्वास जगाया, हम मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। सीआरसी गुरुजी आप जा रहे हैं इस स्कूल के आंगन को छोड़कर, आप जीवन में सदा खुश रहो, यही है माँ सरस्वती से आस।